ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। करवा चौथ को भूल कर भी ना करे ये गलतियाँ। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। अखंड सौभाग्य और पति दीर्घायु की कामना के साथ हर साल करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इसके बाद चंद्र दर्शन किए जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती है। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन सुहागिनों को कुछ काम नहीं करना चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। करवा चौथ का व्रत नज़दीक है। सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है, लेकिन कई बार कुछ महिलाएं व्रत रखने के दौरान ऐसी गलतियां कर देती है जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगती। नंबर 1, करवा चौथ 2023 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ व्रत किया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि प्रारंभ 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार रात 9:30 पर हो रहा है। वही इसका समापन 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। नंबर 2, बन रहा है ये शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शिव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सर्वार्थ सिद्ध योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही इस दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। नंबर 3, करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे और नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक और फलक पर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती संग भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, थाली में रोली और मिठाई रखने के साथ साथ करवा में जल भरकर रखें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शिव, शक्ति और चंद्रदेव की पूजा करें। करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुने। रात में चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ्य दे। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। करवा चौथ व्रत की मान्यता। नंबर 4, करवा चौथ व्रत की मान्यता। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राण पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन स्त्री को अपनी पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है।
सुहाग की वस्तुएं जैसी चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूल कर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इन चीजों का बहुत ही महत्व होता है। सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय अगर टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दे, लेकिन कहीं भी फेंक ना दे ताकि किसी के पैर के नीचे ना आए। इस दिन कैंची या फिर किसी धार वाली चीज का इस्तेमाल ना करे। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द बोलना या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। इस दिन किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी गलत माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन कम बोलना चाहिए और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा देवी की कृपा होती है और पति की उम्र लंबी होती है। इस दिन भूल कर भी मांस, मछली, अंडा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों को फल मिलता है। पूरे घर को वही खाना चाहिए। नीले, भूरे और काले रंग की अशुभता के प्रतीक, संभव हो तो लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग गर्म जोशी और मनोबल बढ़ाता है। साथ ही लाल रंग प्यार, रोमांस और पैशन का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग में महिलाएं अधिक सुंदर और आकर्षित दिखती है एवं सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु बनती है। नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि ये अशुभता के प्रतीक है। ये रंग ओजस्विता कम करता है, अवसाद कारक एवं उत्पीड़क बोझ देने वाले होते हैं। नंबर 7, सास अपनी बहू को ना देना भूले सर्गी। सर्गी करवा चौथ के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह हर औरत के लिए शुभ माना जाता है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ और कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सर्गी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करें। फिर पूरा दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास करें और चांद निकलने पर अपना व्रत खोलें। नंबर 8, पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। करवा चौथ की पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। इससे वातावरण में सकारात्मक आती है और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। इसके चलते करवा चौथ की कथा ध्यान से सुने, क्योंकि इससे आपको आपका ज्ञात होगा कि ये व्रत केवल नई नवेली दुल्हन की तरह सजने संवरने का व्रत नहीं है, बल्कि भारतीय पतिव्रता महिलाओं के जीवन को नई दिशा प्राप्त हुई थी। नंबर 9, यह काम बिल्कुल ना करें। सुई धागे, कैंची अथवा सेफ्टी पिन का प्रयोग ना करें। सोए हुए व्यक्ति को ना उठाए। निंदा चुगली ना करे। रूठे को मनाने ना जाए। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए जुआ खेलती है। व्रत रखकर ऐसे ऐसा काम करना आप स्वयं विचार करें कहाँ तक सही है। नंबर 10, माता गौरी की पूजा करना ना भूले। करवा चौथ के दिन माता गौरी का पूजन किया जाता है। महिलाओं का इस दिन अपने हाथों से माता गौरी के पूजन के दौरान उन्हें हलवा पूरी अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपनी माता, सास या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके द्वारा ऐसा किया जाए तो व्रत सफल नहीं हो पाता है। ऐसा खोला जाता है व्रत। नंबर 11, ऐसे खोला जाता है व्रत। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण करवाते हैं।
नंबर 12, चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है व्रत। इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार कर माँ करवा की पूजा करती है। करवा चौथ व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। 13, देर तक ना सोए। व्रती करवा चौथ में देर तक ना सोए, साथ ही दिन के समय भी नहीं सोना चाहिए। इस दिन भजन कीर्तन करने और शंकर पार्वती का ध्यान करें। करवा चौथ के दिन व्रती महिलाओं को सबसे पहले यानी सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि घर के दूसरे सदस्य उनसे पहले ना जागे, देर से उठना अशुभ होता है। करवा चौथ के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को नुकीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि इस दिन किसी प्रकार की सिलाई कढ़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मानता है कि सुई धागे के इस्तेमाल करने से इस व्रत में नुकसान हो सकता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ये व्रत सुहागिन होने की निशानी होती है। मान्यता के अनुसार काला कपड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए करवा चौथ वाले दिन महिलाएं काले या भूरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल ना करें। सुहागिनों के इस त्यौहार में माना जाता है कि आपको किसी सफेद रंग की वस्तुओं या कपड़ों को दान में नहीं देना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाएं सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई का दान बिल्कुल ना करें। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर सर्गी खाए और स्नान आदि करें। कहते हैं कि व्रती को व्रत का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब व्रती भगवान का स्मरण करे। इस दिन किसी को अपशब्द कहने से बचे, साथ ही किसी विवाद में ना पड़े। इस दिन पति से भी किसी बात से विवाद करने से बचे। नंबर 14, सूर्योदय के बाद ना खाए सर्गी। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय के बाद शुरू हो जाता है, ऐसे में इसके नियम भी सूर्योदय के बाद लागू हो जाते हैं। व्रत से पहले सर्गी खाने का चलन है ताकि दिन भर शरीर को कमजोरी और अन्य परेशानियों से बचाया जा सके। ऐसे में कभी भी सूर्योदय के बाद सर्गी खाने की गलती ना करें। इसे सुबह 4 बजे से पहले खाएं। सूर्योदय के बाद सर्गी खाने से आपका व्रत नहीं माना जाएगा। नंबर 15, करवा चौथ के दिन भूल से भी बिना छलनी के चांद ना देखें। करवा चौथ का चांद हर बार देर से निकलता है, ऐसे मौके पर महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का चांद महिलाओं द्वारा नंगी आंखों से देखना अशुभ होता है? इसी वजह के चलते इस दिन सुहागिन स्त्रियां चांद को छलनी की मदद से देखती है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं छलनी से चांद देखकर समाप्त करती है, इसलिए अगर आप भी करवा चौथ के दिन चंद्रमा के निकलने का इंतजार कर रही है तो परिवार के किसी सदस्य को आप चांद देखने के लिए भेज सकते हैं। नंबर 16, पति पत्नी के सामने खाने की बात ना करें। करवा चौथ हो या कोई भी व्रत, कभी भी जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके सामने खाना या फिर उससे जुड़ी बात लगातार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को इरिटेशन होती है। ऐसे देखा जाता है कि पति अक्सर पत्नियों को फास्ट को लेकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यह मजाक कई बार पत्नियों को बुरा लग जाता है, जिससे वह यह समझने लगती है कि उनके पति को उनके व्रत को लेकर कोई कदर ही नहीं है। नंबर 17, पति फास्टिंग के फायदे ना गिनाएं। आपकी पत्नी ने अगर व्रत रखा है तो इसके पीछे एक खास विश्वास है, ऐसे में आप उन्हें फास्टिंग से होने वाले फायदे गिनाना शुरू ना कर दे। खास तौर से वेट को लेकर तो बिल्कुल भी बात ना करे। दिन भर कुछ नहीं खाने पर वैसे ही उनका मूड सेंसिटिव मोड में रहता है,
ऐसे में आप ऐसा मजाक कर दे या फिर ज्ञान देने लग जाए तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। नंबर 18, पति पत्नी को ज्यादा इंतजार ना करवाए। आपको ऑफिस जाना है, बिल्कुल जाए, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि दिन भर से भूखी प्यासी बैठी पत्नी को इंतजार ना कराएं। आप समय पर घर पहुंचे ताकि वह चांद का दीदार कर सके। ऐसे में आपका समय से नहीं पहुंचना पत्नी को गुस्से से ज्यादा मायूस कर सकता है, इसलिए उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखें। नंबर 19, पति पत्नी की करे तारीफ। करवा चौथ पर पत्नी कई दिनों से तैयारी करती है, वह साड़ी से लेकर हर चीज का प्लानिंग करती है। वह उस दिन सुंदर दिखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। ऐसे में वह तैयार हो और आप उनकी तारीफ तक ना करें, ऐसी बड़ी भूल बिल्कुल मत करिएगा। आखिरकार वह इतना श्रृंगार आपके लिए ही तो करती है। आपकी एक तारीफ उनको खुश और तरोताजा कर सकती है। नंबर 20, इस खास दिन अपनी पत्नी को दे समय। करवा चौथ के दिन कोशिश करें कि ऑफिस ना जाकर आप घर से काम करें। अगर ऑफिस ना जाकर आप अपनी पत्नी के साथ पूरा दिन समय बिताएंगे और ज्यादा ना सही उनकी थोड़ी ही मदद करेंगे तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। नंबर 21, पत्नी को दे गिफ्ट। करवा चौथ के दिन पत्नी को उपहार के तौर पर कुछ न कुछ जरूर दे। यह उपहार उनके लिए आपका प्यार होता है, इससे आपकी पत्नी को खुशी मिलेगी। अगर काफी समय से वो किसी चीज को खरीदना चाह रही है तो आपके पास अपनी पत्नी को खुश करने के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है, उनकी मनपसंद चीज दिलाकर खुश करने का। नंबर 22, करवा चौथ महत्व। क्या आप जानते हैं सबसे पहले करवा चौथ किसने मनाया था? करवा चौथ व्रत की महिमा अपरंपार बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि जो भी महिला इस व्रत को रखती है उसके पति की न सिर्फ लंबी उम्र होती है बल्कि वह स्वस्थ जीवन भी जीती है। पति की न सिर्फ लंबी उम्र होती है बल्कि वह स्वस्थ जीवन भी जीते हैं। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपा के रूप में रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती है। इस व्रत के बारे में प्रचलित कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब कई उपाय करने के बाद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल रही थी, तब भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से देवता राक्षसों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन सभी स्त्रियों ने अपनी पत्नी पतियों की युद्ध में सफलता की कामना से यह व्रत किया और तभी से यह व्रत शुरू हुआ। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए चौथी प्रतिज्ञा भी ली थी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय करवा चौथ माता जरूर लिखें।